नमस्कार, मैं हूं रत्नेश और आप देख रहे हैं बिहार प्लस। दिल्ली चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। अलग अलग राष्ट्रीय दल ने अपने अपने बड़े नेताओं की फौज उतार दी है, लेकिन इस कड़ी में सबसे आगे बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी ने न सिर्फ अपने स्टार प्रचारकों की झड़ी लगा दी है, बल्कि उनके अलावा भी 300 से ज्यादा बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। इसी बीच बीजेपी को एक और स्टार प्रचारक के रूप में चेहरा मिल गया है। वो कोई और नहीं है बल्कि बैडमिंटन के क्षेत्र में भारत की पहचान और मजबूत करने वाली खिलाड़ी सायना नेहवाल है। सायना नेहवाल भाजपा में शामिल हो गई हैं। सायना अब अपने नए राजनीति करियर की शुरुआत कर रही हैं। 29 साल की सायना नेहवाल आज अपनी बड़ी बहन चंद्राशु नेहवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। दोनों को एक साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में सदस्यता दिलाई गई। सायना के भाजपा में शामिल होने के बाद बीजेपी के महासचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा, आज गर्व की बात है कि सायना नेहवाल बीजेपी में शामिल हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा में शामिल होने के बाद सायना नेहवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज अच्छा दिन है, मैंने कई खिताब जीते, लेकिन आज मैं एक ऐसी पार्टी में शामिल हो रही हूँ जो देश के लिए इतना अच्छा काम कर रही है। मैं मेहनती खिलाड़ी हूँ और मुझे उन लोगों के साथ काम करना पसंद है जो कड़ी मेहनत करते हैं। इस मौके पर सायना ने पीएम मोदी की जमकर तारीफें भी कहा। मैं देख सकती हूं कि नरेंद्र मोदी देश के लिए बड़ी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। मैं राजनीति में नहीं हूं, पीएम मोदी खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने काम किया है। मैं मोदी जी से प्रेरित हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं देश के लिए अच्छा कर सकती हूं। मैं बीजेपी का शुक्रगुजार हूं। चलिए अब हम आपको बताते हैं सायना नेहवाल के बारे में कि सायना नेहवाल कौन है। दरअसल हरियाणा के हिसार में 19 मार्च 1990 को सायना का जन्म हुआ। वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में 23 मई 2015 को वर्ल्ड नंबर 1 बन गई। आपको बता दें कि सायना पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो इस मुकाम पर पहुंची हैं। सायना ने कम वक्त में ही 22 सुपर सीरीज और ग्रैंड फ्रिक्स खिताब जीता है। साल 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वो बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। 2017 में इस भारतीय शटलर ने विश्व चैंपियन में पदक जीता और 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों तथा एशियाई खेलों में पदक अपने नाम किया था। 2009 से 2019 तक उनके अच्छे प्रदर्शन बताते जाते रहे हैं कि वह लगातार शीर्ष 10 रैंकिंग में रही हैं। इतना ही नहीं, सायना नेहवाल पर फिल्म भी बन रही है। यह फिल्म उनके नाम सायना पर बन रही है। इस फिल्म के निर्देशक हैं अमोल गुप्ते। इस फिल्म के निर्देशक अमोल गुप्ते का कहना है कि फिल्म की शूटिंग फरवरी में पूरी हो जाएगी। फिल्म में सायना की भूमिका अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा निभा रही हैं। आप देख रहे हैं बिहार प्लस। बिहार प्लस पर ऐसी ही खबरों के लिए बिहार प्लस के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।